सुरेश जी, बहुजन समाज के लोग अधिकतर बोलते हैं कि गांधी का फोटो नोट से हटा के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का फोटो होना चाहिए, और गांधी की फोटो में क्या प्रॉब्लम है, बाबा साहब की क्या जरूरत है नोट पे फोटो की? देखिएगा जी, आपका सवाल अजीबोगरीब है, महत्वपूर्ण है जी, कि भी गांधी जी का सही मायने में इस देश में योगदान क्या है हम जान गए जी। अगर देश की आजादी की बात करें जी, कि भाई जिन्होंने देश आजाद कराया हो जी, उन लोगों को हम लोग मान सम्मान दें जी, तो गांधी जी ने देश को आजाद तो नहीं कराया जी, तो फिर क्यों जो मतलब राष्ट्रपिताओं को कह दिया गया जी, क्यों नोट पर उनकी तस्वीर छाप दी गई जी। और अगर कोई सुनने वाला ये सोच रहा है कि भाई ये आदमी क्या बोल रहा है, तो वो लोग ध्यान से सुने कि भाई मई 1857 में इस देश में आजादी का गदर शुरू हुआ, मेरठ से शुरू हुआ। अब गांधी जी तो काठियावाड़ गुजरात के जी, और गांधी जी मई 1857 में गदर शुरू हुआ उत्तर प्रदेश से जी, और गांधी जी तो तब तक पैदा भी नहीं थे जी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, और इसको जब मैं समय को देखता हूं तो ये समय का जो अंतराल है लगभग 12.5 साल बनता है जी। अब मैं इनको यदि 9 महीने का भी अंतर होता जी, तो इनकी महाभारत के मुताबिक मैं भी मान लेता कि भाई गांधी जी अभिमन्यु थे, माँ की कोख में ही देश को आजाद कराने की कला सीख ली जी, तो अब इतना अंतर भी नहीं, 12.5 साल का अंतर है जी। तो 12.5 साल तक आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं जी। जिस दौरान गांधी जी पैदा हुए हैं, चाहे कितने ही धनाढ्य परिवार में कोई पैदा हुआ हो, उस दौरान 7-8 साल के बच्चे को सुसु करने का भी सलीका नहीं होता था, तो फिर गांधी जी का कोई योगदान नहीं रहा 7-8 साल वो बचपन के जी। जब ये पढ़े हैं बैरिस्टर एट ला तक ये गए हैं, तो ये सारी की सारी एजुकेशन का जो टाइम पीरियड बनता है लगभग 22-23 साल बनता है जी। तो ये 22-23 साल में इन्होंने अध्ययन किया है जी। ये तो भला हो अफ्रीकियों का कि ये अफ्रीका में जब ट्रेन से सफर कर रहे थे तो उन्होंने इनको एक थप्पड़ जड़ा और ट्रेन से बाहर फेंक दिया जी। तब इनको पता लगा कि यहाँ तो रंग भेद नीति है जी। अरे भाई यहाँ वर्ण भेद नीति है, तुम्हारे यहाँ पर भी तो वर्ण भेद नीति है जी। तब भी इन्होंने कुछ नहीं, तो 12-12.5 साल वो प्लस 7-8 साल बचपन के, 22-23 साल इनकी शिक्षा के, इन सबको जब हम जोड़ दें, क्लब कर दें जी, तो ये समय अवधि बन जाती है 42-43 साल जी। तो इसका मतलब हुआ 42-43 साल की आजादी की लड़ाई के टेन्योर में जी, गांधी जी का कोई योगदान नहीं है जी। उसी दौरान फिर वो देश बंटवारे की बातें होने लगी जी। तो देश के बंटवारे में भी इन लोगों की भूमिका बड़ी अजीबोगरीब रही है जी। जब इस देश की जनता ये चाहती थी कि जिन्ना साहब को प्रधानमंत्री बना दो, और ये सारे लोग ये जानते थे कि जिन्ना साहब 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि जिन्ना साहब को टीवी थी और टीवी उस दौरान दुर्बल नहीं थी जी। तो फिर अगर ये उनको बना देते जी, तो शायद देश का बंटवारा ना होता जी। लेकिन मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी और गांधी जी का दोस्ताना जी, तो जब उन्होंने कहा कि भाई मेरे गांधी जी मेरे जवाहर का क्या होगा, तो इन्होंने कहा चिंता नहीं करनी, तुम्हारे ही जवाहर को बनाएंगे जी। इसलिए उस दौरान फिर लोगों ने जब ये बात कहा कि नहीं नहीं वोट डाल लीजिएगा, तो जब वोट डाली गई तो 14 वोट सरदार पटेल के पक्ष में पड़ी और 1 वोट केवल नेहरू जी के पक्ष में पड़ी। तो इन्होंने गांधी जी ने जब कोई काम किया ही नहीं है देश के हित में, नुकसान के हित में, तो क्या बंटवारे के हित में क्या है, नहीं तो आज हम क्यों परेशान होते कि ये पाकिस्तान चिंता है, और तो और ये सारे लोग यही कह रहे हैं, और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि भाई कुछ लोगों ने कहा भी है ये मेरे जो मैं कह रहा हूँ कि जो काम पाकिस्तान ने बनने के बाद आज तक नहीं किया था जी, इस सरकार ने तो 5-4.5 साल में ही कर दिया, 5 साल में ही कर दिया जी। क्या देश को उस कगार तक पहुंचा दिया
भय मनस्ता पैदा हो गई है। तो जब गांधी जी ने कोई देश के हित में, देश की आजादी के हित में कोई बहुत बड़ा काम किया नहीं, तो उनकी पहचान क्यों नोट पर? जब बाबा साहेब ने देश को संविधान दिया तब कहां थे गांधी जी? जब देश को संविधान दिया, देश का संविधान बना करके दिया, और इतना ही नहीं, उन्होंने समय समय पर जो अभी आपने जिक्र किया प्रॉब्लम ऑफ रुपी, आरबीआई की जो मतलब कार्य प्रणाली है उसको दिया, अर्थव्यवस्था पे उन्होंने काम किया है, राजनीतिक व्यवस्था पे उन्होंने काम किया, संविधान दे दिया, सामाजिक व्यवस्था का पूरा उन्होंने ख्याल रखा है, समानता का। तो जो आदमी महान है जी, उसका फोटो क्यों नहीं जी? इसलिए हम लोग जो है खासकर बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाज पार्टी के जो इंटेलेक्चुअल लॉबी है जी, वो ये बात कहती है कि भाई गांधी जी का फोटो हटाओ जी, और बाबा साहेब का फोटो लगाओ। यद्यपि मैं एक बात तो देखिएगा, वो कुछ संतोषजनक रह जाती है बस, कि तथागत का जो परिवर्तन चक्र है वो जरूर इन्होंने रखा है, हालांकि उसको भी नीचे ले आए हैं, तो वो जो ठीक नहीं है अशोक की लाट है उसको भी इन्होंने ऐसा कर दिया है, जो शेरों की पहचान है वो उसको ऐसा कर दिया है, तो ये गलत काम हो रहा है। इसलिए हमारी मांग बिल्कुल जायज है कि जिन लोगों ने कुछ नहीं किया उनकी पहचान बना रहे हो, जिन लोगों ने सब कुछ किया, देश को अपनी जिंदगी नौछावर कर दी, पूरा परिवार नौछावर कर दिया, उनको आप सम्मान नहीं दे रहे हो, तो नोट प्रचलन में है तो उनका फोटो अवश्य होना चाहिए। ये मेरी भी मांग आप लोगों के माध्यम से।